जापान के एक बौद्ध मंदिर में रोबोट पुजारी है जो लोगों को करुणा की शिक्षा देता है। यह रोबोट टेम्पल में आने वाले श्रद्धालुओं को प्यार करुणा के साथ गुस्सा क्रोध अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहने की भी शिक्षा देता है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि बदलते वक्त के साथ यह रोबोट खुद को अपडेट करता रहेगा। बातें थोड़ी आश्चर्यजनक है, विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन यह वास्तविकता है। तो आइए बताते हैं, जापान के 4 साल पुराने बौद्ध मंदिर में पुजारी के तौर पर रोबोट को नियुक्त किया है। बौद्ध मंदिर में रोबोट की नियुक्ति पर विवाद भी हुआ था, लेकिन इसके बाद भी एंड्रॉयड कैनन को क्योटो के कोदाइजी टेम्पल में रखा गया है। रोबोट टेम्पल आने वाले श्रद्धालुओं को दया और करुणा का संदेश देता है। टेम्पल में मौजूद अन्य पुजारी रोबोट की सहायता करते हैं और उन्हें यकीन है कि कृत्रिम इंटेलिजेंस जरिए आने वाले दिनों में रोबोट और अधिक बुद्धिमान नजर आएगा। बदलते वक्त के साथ रोबोट में किया जाएगा बदलाव। जी हाँ बिल्कुल, बदलते वक्त के साथ रोबोट में किया जाएगा बदलाव। मंदिर की एक पुजारी थेंसी गोटो ने कहा, यह रोबोट कभी भी नहीं मरेगा, समय के साथ यह अपने आप में कुछ सुधार करता जाएगा और खुद को बदलते वक्त के साथ प्रासंगिक बनाएगा। यही इस रोबोट की खासियत है। बदलते हुए बौद्ध धर्म के अनुसार यह लगातार अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा और यह हमेशा वक्त के साथ चलता रहेगा। अब आइए बताते हैं रोबोट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। एक व्यक्ति के आकार के इस रोबोट ने इस साल के शुरुआत में काम करना शुरू किया था। इसकी बाहें और शरीर को हिलने डुलने में सक्षम बनाया गया है। चेहरे और कंधे में सिलिकॉन से ढका गया है ताकि इंसानी त्वचा के जैसे महसूस होता है। अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत कोमल आवाज में रोबोट प्रार्थना करता है। हालांकि रोबोटों का मशीन पहलू ही लोगों को आसानी से नजर आता है। एल्यूमिनियम की बॉडी और जलती लाइट्स इसके मशीनी होने का एहसास भी देते हैं। अब आइए बताते हैं इस रोबोट के लागत के बारे में। ओसाका यूनिवर्सिटी के मशहूर रोबोटिक्स प्रोफेसर और जैन टेम्पल के सहयोग से इस रोबोट का निर्माण करीब 10 लाख रुपए में किया गया है। रोबोट की खासियत है कि श्रद्धालुओं को संवेदना और करुणा के बारे में शिक्षा देता है। इसके साथ ही वासना, क्रोध और अहंकार के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं इसकी भी सीख देता है। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही रोबोट्स हमारे इंडिया के भी कुछ टेम्पल में नजर आएंगे। तो ऐसी कुछ आश्चर्यजनक और अनदेखी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।